अस्सलाम वीवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद सोनिया में। तो आज हमारे किचन में बना है जिंगर बर्गर। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी जिंगर बर्गर। उसके लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए, यहाँ पर मैंने चिकन ली है, मैंने इसको ऐसे पीसेस में काट लिए। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून सिरका लिया है, 2 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर है, 1 टीस्पून मैंने लहसुन पाउडर लिया है। अगर आपके पास लहसुन पाउडर नहीं है तो आप लहसुन के 2-3 जवे लेके उसको पीस के वो भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून काली मिर्च है, 1 टीस्पून सूखा धनिया है। चिकन कैसे कर लेंगे, ताकि ये ऐसे करने से हमारे चिकन अंदर तक जूसी हो जाएगी और हमारा बर्गर जो है बहुत मज़े का बनेगा। इसी तरह हम सारी ऐसे कर लेंगे। तो मैं बॉल में सबसे पहले ये सिरका डाल दूँगी, बाकी ये सारे स्पाइसेस डाल दूँगी, अच्छा से मिक्स करूँगी। एक एक पलटे में इसको अच्छे से मसाला भी डाल देंगे। जी तो ये हमारा, इसको मैंने मसाला लगा दिया। अभी इसको हम 45 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूँगी, ताकि ये मसाला जो है इसके अंदर तक जज्ब हो जाए। तो ये ताकि हमारा ये बहुत अंदर से जूसी और मज़े का बने। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, ये कंप्लीट हुआ है। तो अभी मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। चिकन मैरिनेट हो गया, तो अभी इसकी कोटिंग की तरफ चलते हैं। उसके लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए, मैंने यहाँ 1 कप लिया मैदा, तो 1/2 कप मैंने कॉर्नफ्लोर लिया, 1 अंडा लिया, 1/2 कप दूध लिया, लाल मिर्च का पाउडर लिया, काली मिर्च का पाउडर लिया, नमक लिया और लहसुन पाउडर लिया। मैंने यहाँ पे बॉल ले लिए, बॉल बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, मेरा बिल्कुल ड्राई है। एक बॉल ले लिया, उसमें मैंने मैदा डाल दिया, उसमें ये कॉर्नफ्लोर डाल दूँगी, लाल मिर्च का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, नमक, लहसुन पाउडर, ये सारी चीज़ें डाल दूँगी, अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, इसको साइड पे कर लूँगी। तो अभी मैंने एक और बॉल ले लिया, उसमें मैं ये अंडा डाल दूँगी, उसमें ये दूध डाल दूँगी, अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो एक एक पीस मैं लूँगी, उसको मैदे में अच्छे से कोट करूँगी। ऑयल मैंने गरम रख दिया है चूल्हे पे, फिर मैं इसमें डिप करूँगी, इसको मैदे में कोट करेंगे, इसी तरह सारे कोट करके फिर इनको फ्राई करेंगे। तो मैंने वो कोट करके इसमें डाल दिए, इसी तरह मसाला डाल दिया, इसी तरह ये मसाले इसमें डाल दिए जाएंगे। जी तो ये रेडी हो गए, अभी मैं एक एक करके ये सारे अच्छे से निकालूंगी। तो चलें इसकी सॉस रेडी करते हैं, गार्लिक मायो सॉस। उसके लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए, मैंने यहाँ 1 कप मायोनीस लिया है, 1 लहसुन का जवा मैंने उसको चॉप कर लिया है बारीक बारीक, और 1 चम्मच में डालूँगी इसमें विनेगर। तो मैं ये मायोनीस में ये लहसुन डाल दूँगी, तो 1 टेबल स्पून में इसमें ये डाल दूँगी विनेगर, तो इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। गार्लिक मायो सॉस मेरी रेडी होगी, अभी मैं दूसरी सॉस बनाती हूँ चिली मायो सॉस। तो उसके लिए जो चीज़ें चाहिए, मैंने यहाँ 1/2 कप मायोनीस लिया है, तो मैं इसमें डालूँगी 2 टेबल स्पून चिली सॉस के, और मैं डालूँगी 3 से 4 टेबल स्पून ये केचप डालूँगी। मैंने ये टमाटो केचप लिया है, तो ये बच्चों ने खाने हैं तो इसलिए मैं थोड़ा स्पाइस कम रख रही हूँ, मैं चिली गार्लिक सॉस भी डाल सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसमें 2 टेबल स्पून ये चिली सॉस के डाल दूँगी, ये सॉसेस घर पे बनाए इनका ये बहुत ज़्यादा, ये मैंने डाल दी केचप इसमें 3 टेबल स्पून, और थोड़ी सी ऐसे भी डल दी थी। तो सबसे पहले गार्लिक मायो सॉस लगाएंगे, मैं
चले तो ये मैंने इस पर लगा दी अच्छे से। तो अभी हम रखेंगे अपना ऊपर जिंगर जो हमने बनाया है। तो अभी हम ये अपनी सॉस ऊपर लगाएंगे। इसके ऊपर ये सलाद का पत्ता लगाएंगे। तो ये देख लें हमारी फाइनल लुक, हमारे जिंगर बर्गर रेडी हैं। तो आप इनको ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत मज़े के होते हैं। सॉसेस इसके बहुत मज़े की हैं, आप इनको ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू।